अरे राधे लाल, गुड मॉर्निंग। अरे उठ जाओ भाई, दरवाजा खोल दिए हम बाहर से। गुड मॉर्निंग, हम बस अभी आए। देखी? हाँ। आज अगर हम जिद ना किए होते ना तो ये ना होता। ये का? गुड मॉर्निंग, चलो कड़क चाय पिलवाओ। हाँ। बदन में बहुत दर्द है। हाँ। हाँ। तुम्हारे घर तुम, हम चाय बना देते हैं। कृष्णा, तुम ठीक तो हो ना? जरा अपने हाथ दिखाओ। और गर्दन, गर्दन पे? भाभी, हम ठीक है। आप क्या देख रही है? वो चोट देख रहे थे। तुम ठीक हो ना कृष्णा? हम ठीक है, वो चाय बन रही है। कृष्णा, वो कल रात को हमसे रहा ना गया आप लोगों की मदद किए बिना। तो भाभी, क्या लगता है कल सुहाग रात में राधे भैया ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी के? हर बात मजाक में ही होता है बेला। कमाल है, ऐसा भी कहा बोल दिया हमने। आप रहने दीजिए, हम खुद ही पूछ लेते। बिट्टो रानी, कैसी रही कल सुहाग रात? कृष्णा, हम करते हैं। अरे बोलो भाई, कैसी रही सुहागरात? बिट्टो रानी, क्या हो रहा है? हैं? नहीं मतलब क्या राजनीति बताई जा रही है? नहीं मतलब चाय बना रही हो कि सरकार? मम्मी जी, बस चाय बन गई। राधे भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम उनके कमरे में उनको चाय दे आते हैं। कृष्णा जी, वो अपने कमरे में ही होंगे ना? जी, वो वहां का काउच, मतलब आउच, पैर में मोच आ गई। लाइए, हम देकर आते चाय। कुछ तो गड़बड़ है। अम्मा जी, आज के अखबार। अरे बिल्लोटे, तो हमें काय दे रहे हो, हैं? अरे एक काट फाड़ मचाओ और राशन की दुकान पे पहुंचाओ। चीनी और नमक बांधने के काम आएंगे, हैं? चलो शुरू हो जाओ। ठीक है अम्मा जी, ले जाते हैं। अगर किसी ने देख लिया कि राधे जी काउच पर सो रहे हैं तो भौकाल मच जाएगा, और फिर पापा जी बौरा आ जाएंगे, और फिर कहेंगे हम जब बौरा आ जाते हैं
तो संतुलन बिगाड़ देते हैं। मत भागिए प्लीज कृष्णा जी, मत भागिए। नहीं कृष्णा जी मत भागिए प्लीज, प्लीज कृष्णा जी मत भागिए। हम कहीं भागे नहीं, इधर ही आपके सामने खड़े हैं। अरे आप भागे नहीं, यही है। अरे तो फिर से निकल गया, इसको निकाल ही देते हैं। खींच दे। क्या आपने, आपने तो सच में घींच दिया। तुम्हारी चोट ठीक हो गई है। ठीक हो गई? इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या कुछ नहीं। देखिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, जेल का दरवाजा खुल चुका है, कोई भी कभी भी आ सकता है। अगर ये जेल है तो हमें पूरी जिंदगी इस जेल में आपके साथ बिताना मंजूर है। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा हमने तो। देखिए हमने दरवाजा इसीलिए बंद किया था ताकि किसी को पता ना चले तुम काउच पर सो रहे थे। थैंक यू कृष्णा जी, आपने सुबह सुबह हमारे लिए एक कप चाय बना दी, हमारी तो जिंदगी सेट हो गई। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम जल्दी से तैयार होके नाश्ते पर आ जाओ। You are welcome. You are welcome, राधेलाल शुक्ला, सिविल लाइन्स कानपुर। कानपुर नगर निगम आपका स्वागत कर रहा है बेटे लाल। You are welcome. हेलो साजन बाबू, यू आर वेलकम। भाभी प्रणाम। क्या हुआ भाभी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? राधे भैया कल रात आप कल रात तो हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात थी भाभी, बवाल हो गया बवाल। पापा जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बवाल मच गया। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक है ना भाभी? परेशान नहीं हम, निराश। भैया आप भी, हमने आपको बाकियों से अलग समझा था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। अब हम क्या कर दिए हैं भाभी, आपको क्या उम्मीद नहीं थी हमसे, मतलब क्या उम्मीद थी आपको हमसे? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुहागरात मनाने में परेशानी क्या है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने में कोई परेशानी नहीं है? एक सेकंड, जबरदस्ती? और हम काहे जबरदस्ती करेंगे भाभी? बच्चन साहब ने सिनेमा हॉल में चिल्ला के बोला था नो मींस नो, और हम तो उसके पहले से जानते हैं
कि जबरदस्ती करना गंदी बात है। मतलब आपने कृष्णा के साथ? एक बात बताएं भाभी, हमको तो लगता है कि हमारी शकल में कोई दोष है, कृष्णा जी को लगता है कि हम हफ्सी हैं, और अब बाप बोल रही है कि हमने जबरदस्ती की। साला कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में हमारी। वैसे गलती आपकी नहीं है भाभी, दिक्कत तो इस बात की है कि सुहागरात का एक ही मतलब लड़कों के भेजे में घुसाया जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो या फिर कुत्ते की दुम की तरह पीछे पीछे हिलते रहो, और हमको भी यही लगता था, मगर अब हम समझ चुके हैं भाभी कि सुहागरात कुत्ता बिल्ली का खेल नहीं है, जो बैट और हेलमेट के रिश्ते की तरह है। वो कैसे? अकेले हेलमेट का क्या फायदा, चोट लगने से बच जाओगे मगर रन कैसे बनाओगे, और अकेले बैट का क्या फायदा, रन बना लोगे मगर चोट लगने का खतरा रहेगा, अगर दोनों साथ में रहें तो बेधड़क रन बनेंगे, ना फुल टॉस का डर ना बाउंसर का खतरा। अच्छा जी, तो आपको ये परम ज्ञान की अनुभूति कब और कैसे हुई? कल रात को पहली बार कृष्णा जी को मुस्कुराते हुए देखे, हमने उनसे बात की, उनकी बात समझी और अपनी बात समझाई। भैया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू भाभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।